नमस्ते वैद्य जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और वैद्य जी आपकी दवाई तो बहुत अच्छी काम कर रही है। वैद्य जी आपकी दवाई तो बहुत अच्छी काम कर रही है। देखो भैया ऐसा है ना, अब ये हवा जो चल रही है कोरोना की मार चल रही है, सर्दी खूब पड़ रही है, इसलिए आप अपनी सर्दी का बचाव रखो, खांसी खुरना ना हो पाए, गर्म पानी की ज़्यादा इस्तेमाल करना, अर्जुन की छाल और दालचीनी को मिला के उसका काढ़ा रोज पिया करो। अच्छा, जिससे आपके शरीर में गर्मी रहे और कोरोना की भी हवा सारी तीर नहीं आएगी। ये डेली आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा लेना जरूरी है, मेरी बात समझे? हाँ। क्यों, आप हमारे मरीज हो, आपको मैंने बहुत दवा खिलाई और आपने अपने परिवार में भी दिवाई, तो सबको ये देना जरूर है। पहले जी आपकी दवाई तो बहुत अच्छी थी। और एक दवा अच्छा देते थे सूंघने की, हाँ, तो उसको सूंघना तो बिल्कुल एकदम जटिल रहोगे, ये हमारा कहना है। और परिवार वाल और साग सब्जी जो लाओ पहले उसको खूब धोइए और फिर गर्म पानी से धोइए, तब उसको काट के सब्जी बनाओ। डायरेक्ट पहले काटना बाकी बाद में धोना तो उसका जो तत्व होता है वो निकल जाता है, इसलिए पहले सब्जी खूब साफ कर लीजिए बाद में काटिए। आटा जो है, आटा जो लोग खाते हैं उसको मार के थोड़ी देर रख देना चाहिए, जिसका उसका कड़कड़ घूम जाए तुरंत तुरंत मारा तुरंत से खबा दी, आप समझे? तो ये अपनी माँ को बताना, अपने घर वालों को बताना कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। और आप तो अपने जानवरों को भी इस वक्त धूल वगैरह इसी इनके बांधे रहना, जिससे इनको हवा लगे और ज़मीन के नीचे गंदगी न हो पाए, जिससे संक्रमण फैल सके, आप समझे? तो अपने से ज़्यादा अपने जानवरों की सुरक्षा करना घर में, और हितू नातेदारी में जहाँ जाओ वहाँ भी सचेत रहना, और मास्क का प्रयोग, ये मास्क का ये भी इसका प्रयोग करना, जैसे मैं लगाए रहते हैं, मैं आपको बताते बात करने के कारण हमने, तो इसको लाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। आप अपना ध्यान रखना, परिवार का रखना, बाल बच्चों का रखना, और अपने जानवरों का भी रखना। जानवरों की सुरक्षा जितनी करेगा तुम्हारी ईश्वर सुरक्षा करेगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।